चैनल्स एंड फाइनली आई एम एट बैंकॉक एयरपोर्ट और यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस है। तो जैसे ही मैं लैंड हुआ हूँ मैं यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे आ गया हूँ और इमिग्रेशन काउंटर पे आने के बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। मेक श्योर यू हैव ऑल योर ओन डॉक्यूमेंट्स, लाइक यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए फॉर्म के लिए सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी प्लस पासपोर्ट नंबर और उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपके पास रखना पड़ेगा। मेरे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं था तो मेरे को यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करवाना पड़ा जिसके करीबन मेरे को 6 फोटोज़ के 500 रुपीज़ देने पड़े। यहाँ पे पीछे की साइड आप देख पा रहे हो सारी प्रोसेस लिखी हुई है वीज़ा एंड अराइवल के लिए। तो अब हम अंदर इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए इस फॉर्म के अंदर वो मैं पूरे सबमिट करूँगा। अराइवल के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने भरा है, रिटर्न टिकट आप वापस थाईलैंड से कब जा रहे हो, 10,000 बाद मैंने करीबन $700 लिए है, इंटरव्यू में एकोमोडेशन आपका कहाँ है थाईलैंड में वो पूछेंगे और सेकंड वो चीज़ है गेट वीज़ा। वीज़ा होने के बाद आपको प्रोसेस बाय पिबिक सिस्टम अराइवल स्टैम्प लगेगा आपके वीज़ा के ऊपर पासपोर्ट के अंदर। ये मेरे पासपोर्ट पे आज थाईलैंड का स्टैम्प लग गया, अराइवल डेट 16 मई 2019, डिपार्चर डेट 30 मई 2019, मतलब ये 14 दिन के लिए मेरे को वीज़ा मिले जो अभी थाईलैंड गवर्नमेंट वीज़ा ऑन अराइवल देती है। और वैसे वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस 2000 बात है पर अभी के लिए 31 अक्टूबर तक इसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है जो भी इंडिया से आ रहे हैं। इमिग्रेशन से वीज़ा स्टैम्प हो गया पासपोर्ट पे, करीबन 2-2.5 घंटे लगे और नेक्स्ट मुझे अभी वीज़ा सिम कार्ड लेने जाना है। तो यहाँ पे 3 से 4 कंपनी से जो सिम कार्ड के लिए बहुत ही फेमस है जिसमें से वन ऑफ इस ट्रू सिम और दूसरी है AIS। तो मैं अभी सिम कार्ड काउंटर पे जा रहा हूँ। व्हाट आई एम देयर फॉर 7 डेज, ओके, one baht per minute local call, okay fine, and the next one is 249 baht which is 7 days internet 4G unlimited. Yes, the data is same in both the sim cards. Like how much GB we get per day? Unlimited GB for 7 days. Okay, that's great. So please give me this 249, right? Yes.